बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू रोल सिमैया वाली। जो हमने बॉईल की हुई आलू ली हैं 3 से 4, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं हाथों से। आप चाहे तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 कटोरी भर के धनिया और 1 छोटा साइज प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हमने ये सेमिया ले ली है इसकी कोटिंग करने के लिए। रोल को हमने कोटिंग करने के लिए 1 कटोरी मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसमें हम पानी डाल के इसका घोल बना लेते हैं। इसको अच्छे से घोटना है, बनाना है इसका। इसमें थोड़ा और हम पानी डाल देते हैं, इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको अच्छी तरह से फेंटना है। जब तक इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर। अब हम इसका रोल बना लेते हैं। थोड़ा हाथों में तेल लगा लिए हैं। आप जो चाहे जैसा वैसा शेप दे सकते हैं। आप इफ्तारी में बनाइए, नाश्ते में बनाइए, आपके घर पे मेहमान आए तब भी बनाइए। ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखिए हमने बना दिया है, कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। सारे के सारे हम ऐसे ही बना लेंगे। हमने सारे के सारे रोल बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम, हमारा तेल भी गर्म हो गया है, अब इसे हम इस तरह चम्मच से मैदे में डुबो देते हैं। और हमने जो सिमैया तोड़ के रखा था, जो सिमैया तोड़ के रखा था उसको हम ऐसे करेंगे। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हल्के हल्के हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा पलट देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। इसका रंग भी कितना अच्छा सुनहरा हो रहा है। ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना है, सुनहरा ही रखना है। ये देखिए हमारे सारे के सारे ब्राउन हो चुके हैं। हम इसे निकाल लेते हैं और जो बचा है उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। सारे के सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने इसे निकाल लिया है। देखिए हम आपको क्रिस्प करके दिखाते हैं, कितना क्रिस्पी बना, कितनी मस्त आवाज़ आ रही है। देखिए इंशाल्लाह आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए और हमारा रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।